हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना महामारी में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच दुनिया बेसब्री से दवा का इंतजार कर रही है। इसको लेकर दुनिया भर में कई कोशिशें चल रही हैं। WHO भी सॉलिडरिटी ट्रायल करवा रहा है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि रेमडेसिविर नाम की दवा को USFDA अप्रूवल मिला है और साथ ही जापान ने भी इसको जो है प्राइमरी अप्रूवल दे दिया है। भारत में ये दवा कब तक आ सकती है, क्या इस दवा के मायने हैं, समझने के लिए हमारे साथ DGCSIR डॉक्टर शेखर सीमांडे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये दवा एक्चुअली क्या है, रेमडेसिविर के ट्रायल का अप्रूवल का मतलब क्या है? तो USFDA ने तो इसको इमरजेंसी में अप्रूव कर दिया है। रेमडेसिविर ये एक दवा है जो वायरस का रिप्लिकेशन रोकता है। वायरस जब हमारे बॉडी में हमारी पेशियों में जब जाता है तो उसका रिप्लिकेशन को ये बंद करवाता है, और ये देखकर FDA ने इसको अप्रूवल दिया है US में। जैसे कि पढ़ने में आया कि जापान के FDA में भी उसको अप्रूवल मिल चुका है। ये एक कंपनी प्रोड्यूस करती है गिलियाड नाम की, तो एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भारत में कैसे ले आए, क्योंकि इसका पेटेंट जो है इनकी कोई कंपनी के नाम पर है। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भारत में किस तरह इस दवा को ले आएंगे। लेकिन सर, अभी तक जो इसके प्राइमरी डेटा है वो ये शो करता है कि केवल 31% केसेस के अंदर ही जो है इसमें रिकवरी आई है। अभी केवल ये एक इनहिबिटर है जो कि वायरस का मल्टीप्लीकेशन रोकता है, लेकिन क्यूरेटिव एंटीडॉट नहीं है उस तरीके से। नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है। जो कि FDA ने इसको अप्रूवल दिया है, तो FDA ने जरूर सब कुछ एंगल्स इसके देखे होंगे कि कितना इफेक्टिव है, क्या है टॉक्सिसिटी, क्या है। हम लोगों के पढ़ने में इसलिए नहीं आया है ये, क्योंकि अभी तक पीयर रिव्यू जर्नल में इसका कोई एनालिसिस आया नहीं है रेमडेसिविर का, जितना आना चाहिए था। वैसे चाइना से एनालिसिस जरूर आई थी, लेकिन वो कॉन्टेस्टेड है। तो जब इसकी पूरा पीयर रिव्यू जर्नल में इसका पेपर आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि सही में कितने लोगों को ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है वगैरह। डॉक्टर पांडे, भारत भी अपनी तरफ से दवा की कोशिश कर रहा था, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर भारत में भी काम हो रहा था, अगर आप उसके बारे में बता सकें कि वो किस स्टेज में है, जो हमारी अपनी दवा हो जिसपे हमें US पे किसी कंट्री पे पेटेंट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ऐसा है कि भारत में जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ली थी वो फोर फोल्ड स्ट्रेटेजी थी। पहला ये था कि NCEs जो होते हैं, न्यू केमिकल एंटिटीज, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता होता है। न्यू केमिकल एंटिटीज को अगर दवा में कन्वर्ट करना हो तो 8-10 साल लग जाते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा था कि रिपर्पजिंग का, कि जो दवा दूसरे किसी बीमारी के लिए होती है वो हम कोविड के लिए ट्राई करके देखें, और इसमें काफी सारे हमारे बास्केट में आज के दिन में है। जैसे एक का नाम है फेविपिराविर, ये एक इन्फ्लुएंजा का ड्रग है, ये जापान, रशिया, चाइना में वगैरह आज के दिन में यूज हो रहा है इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में, और लोगों का मानना है कि कोविड के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगा। और हम लोगों को फेविपिराविर का क्लिनिकल ट्रायल करने का अब परमिशन मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है DCGI से। वैसे और एक कंपनी को भी मिला है 2-3 दिन पहले, तो ये दोनों ट्रायल्स पैरेलली चलेंगे और हमें पता चलेगा कि फेविपिराविर इफेक्टिव है या नहीं है। और इसी तरह एक फाइटोफार्मास्यूटिकल होता है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, उसको भी परमिशन हम लोगों को मिल चुका है कि उसकी भी हम लोग कोविड पे ट्राई करके देखें। फेविपिराविर के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं कि ये दवा कैसे काम करती है, अभी तक जो इसके असेसमेंट किए गए हैं ये कैसे काम करती है और ये अप्रूवल कब आया है, क्योंकि आपने पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था इसकी प्रोसेस चल रही है। तो फेविपिराविर का हमारा अप्रूवल जो है CSIR और एक कंपनी का, वो कल रात को ही आया है, और दूसरी एक कंपनी जिन्होंने डिसीजन परमिशन मांगी थी, उनका अप्रूवल 3-4 दिन पहले आया है। तो ऐसे दोनों अप्रूवल्स आ गए, तो दो क्लिनिकल ट्रायल साथ साथ शुरू हो जाएंगे फेविपिराविर के। और जो कि इसके ऊपर पेटेंट नहीं है, पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, तो ये बहुत सस्ते में मिलना चाहिए, अगर मार्केट में जब आता है तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। सर, इसका ट्रायल कब से शुरू कर रहे हैं? इसका ट्रायल अब जल्दी शुरू हो जाएगा, अब DCGI का अप्रूवल आया है, तो अस्पतालों में जाके उनका इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी जो होता है और पेशेंट का प्रायर कंसेंट लेना होता है दवा देने से पहले, वो प्रोसेस अगर एथिकल प्रोसेस खत्म हो जाता है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर में शुरू हो जाएगा ट्रायल। काफी बड़ी बात आपने कही कि 1 हफ्ते के अंदर भारत जो है अपनी देसी जो फेविपिराविर से दवा बनाने की प्रक्रिया है उसका ट्रायल शुरू कर देगा। सर, कई देशों में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उस पर भी काम चल रहा है। कल हमने देखा कि 2-3 दिन पहले जो आयुष मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा ये जो हमारे स्वदेशी फॉर्मुलेशंस हैं इनको हम कैसे मान रहे हैं कि ये इफेक्टिव हो सकते हैं। इसमें तो बहुत बड़ा काम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हम लोगों ने किया हुआ है। कल जैसे हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, उन्होंने प्रेस के सामने में एक फॉर्मल अनाउंसमेंट की कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ICMR और CSIR सब मिलकर 4 आयुष फॉर्मुलेशन अब ट्राई करेंगे क्लिनिकल ट्रायल में। और आयुष का ऐसा है कि जो पारंपरिक नॉलेज है इसलिए मॉडर्न साइंस की ओर से उसका कंफर्मेशन करना जरूरी होता है। तो CSIR और ICMR ने यही कहा है आयुष को कि हम आधुनिक विज्ञान की ओर से जाकर इसको देखेंगे कि सही में काम करता है कि नहीं करता है।
तो चार फॉर्मुलेशन को हम लोगों को अप्रूवल मिल गया है वो करने की, और वो भी ट्रायल एक आध हफ्ते में शुरू हो जानी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल ये कि ये जो दोनों ट्रायल्स हैं, पहले फेविपिरावीर के ट्रायल, ये कितना लंबे समय तक चलेंगे, कब तक कंप्लीट होके हमें कुछ ठोस रिजल्ट की उम्मीद है, और दूसरा आयुष के ट्रायल्स के लिए भी कितना समय रखा गया है? ये जो ट्रायल्स है ये लिमिटेड ट्रायल्स है, जो कि पता है कि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सेफ है यूज करने के लिए, और जैसे कि इन्फ्लुएंजा और बाकी के रोगों पर इसका पता है परिणाम अच्छा होता है, तो इसलिए लिमिटेड ट्रायल होने के वास्ते ये मेरे ख्याल से एक या दो महीने के भीतर खत्म हो जाने चाहिए। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शेखर सीमांडे, जिन्होंने काफी उम्मीद भरी खबर ये दी है कि भारत में जो फेविपिरावीर दवा, जिससे कि कोविड-19 के इलाज की कोशिश की जा रही है, उसकी ड्रग ट्रायल कुछ ही दिनों के अंदर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस पे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल CSIR को भी मिल गया है, इसके अलावा एक कंपनी को भी मिला है, और भारत में जल्द ही इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और एक आध महीने के अंदर इसके नतीजे सामने होंगे। अगर ये सकारात्मक आते हैं तो भारत में अपना इलाज कोविड-19 का उपलब्ध होगा। कैमरामैन सुंदर के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।